आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी जिसे सुनकर आरएसएस वालों के होश उड़े तो जय भीम दोस्तों आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल तो दोस्तों हमारी आपसे एक ही विनंती है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हां अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हाल ही में भारत बंद को लेकर नरेंद्र मोदी ने जोरदार भाषण दिया जहां तक संविधान का सवाल है आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं उन्होंने आगे कहा यह हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है रामायण है महाभारत है बाइबल है कुरान है ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है दोस्तों भारत के संविधान के निर्माता डॉ भीमराव आम्बेडकर जी ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है यह संविधान न केवल स्वतंत्रता के बाद देश की दिशा तय करता है बल्कि यह सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म लिंग भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता संविधान का मुख्य उद्देश्य एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार हो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन संघर्ष और समर्पण की अद्वितीय कहानी है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश को एक नए संविधान की आवश्यकता थी जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके डॉ आंबेडकर जी ने इस कार्य को बड़ी ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निभाया उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया जो समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करें भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है जिनमें समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है संविधान का अनुच्छेद चौदह यह सुनिश्चित करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है इसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं और किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता अनुच्छेद पंद्रह यह स्पष्ट करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा यह प्रावधान विशेष रूप से उन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों डॉ आम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को भी विशेष महत्व दिया उनका मानना था कि समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को समान अधिकार और अवसर नहीं दिए जाते इसलिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं की समानता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है संविधान के विभिन्न प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज के हर वर्ग को न्याय समानता और स्वतंत्रता प्राप्त हो चाहे वह सामाजिक समानता हो आर्थिक न्याय हो या सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद एक समान और समावेशी समाज की स्थापना की दिशा में प्रयासरत है डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर जी का यह योगदान न केवल भारत के संविधान निर्माण में है बल्कि यह देश की सामाजिक संरचना को बदलने और एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना में भी है भारतीय संविधान के इन प्रावधानों के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में आकार दिया जहां हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और यह संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है मैं नरेंद्र मोदी बाबा साहेब आम्बेडकर जी से प्रेरित हूँ जो उच्च शिक्षित थे और किसी भी विकसित देश में आसानी से रह सकते थे लेकिन वे भारत लौट आए और उन्होंने अपना जीवन दलितों के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित कर दिया ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से ही है कि आज दलितों को उनके अधिकार मिले हैं और वे सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं तथा सरकार उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है मैं सभी उपस्थित लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने बच्चों को माओवादी नेताओं के हाथों में न सौंपें जिन्होंने स्वयं को सुरक्षित रखा लेकिन स्थानीय लोगों को मरने दिया मैं हिंसा का रास्ता चुनने वाले इन युवा बच्चों के माता पिता से कहना चाहता हूं कि उनमें माओवादियों एक भी नेता आपके क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ है या आपके क्षेत्र का मूल निवासी नहीं है और वे कभी नहीं मरते आपने उन्हें अपने बच्चों को मारने का अधिकार क्यों दिया है मेरे जैसे गरीब मां का बेटा समाज के बहुत पिछड़े वर्ग से आता है और बाबा साहब अंबेडकर की वजह से मैं प्रधानमंत्री बन सका दोस्तों बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर जी भारतीय समाज के एक महान सुधारक न्यायविद और संविधान निर्माता थे जिन्होंने न केवल दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी बल्कि समग्र भारतीय समाज के लिए एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया उनके योगदान से न केवल दलित समाज को बल्कि पूरे देश को आज़ादी मिली जो कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण और अन्याय के विरुद्ध थी बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ अपना जीवन समर्पित कर दिया भारतीय समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों को सदियों से शोषित और अपमानित किया जा रहा था आम्बेडकर जी ने इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और दलितों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए उनके नेतृत्व में दलित समाज ने अपनी आवाज उठाई और सामाजिक सुधार की दिशा में एक नई पहल की डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अनेकों आंदोलनों का नेतृत्व किया उन्नीस को महाड़ में आयोजित चौदार तालाब सत्याग्रह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जहाँ उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया यह आंदोलन दलितों के आत्मसम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना आम्बेडकर जी ने यह भी महसूस किया कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक और आर्थिक सुधार अधूरे रहेंगे इसलिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों के बीच समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया उन्होंने भारतीय समाज को जातिगत बंधनों से मुक्त करने की दिशा में अनेकों सुधारवादी कार्यक्रम चलाए जिनके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में बदलाव आया और सामाजिक अन्याय के ख़िलाफ़ एक नई चेतना जागृत हुई बाबा साहेब आम्बेडकर ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मताधिकार मिले चाहे वह किसी भी जाति धर्म या लिंग का हो उन्होंने एक ऐसे संविधान की नींव रखी जो हर व्यक्ति को समान अवसर और न्याय प्रदान करे उनके इस योगदान ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी और देश को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित किया तो दोस्तों आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बताए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें मिलते हैं किसी और वीडियो में जय भीम जय भारत धन्यवाद